Hi friends, it's me Chinu and you are watching my channel Chinu 2683 and in Punjabi it's Chinu Shabit 83 and we are going to Shimla. ये आ गया टोल टैक्स मेन हाईवे का, बाइक का तो लगता नहीं है यहाँ पे, तो साइड से निकाल लो। पहले मैंने सोचा था कि ये रूम में वीडियो शूट करूँगा, रूम में बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर पहली दो वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि एक दो वीडियो लंबी हो जाती है और दूसरा मेरा चेहरा देख देख के आप बोर हो जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑन रोड ही चलते चलते आपसे बात की जाएगी और आपको सारा प्लान बताया जाएगा और साथ में मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी हमारी। गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बता दूं कि अब मैं हाईवे पे, ये है चंडीगढ़ शिमला हाईवे और घर से हम निकल चुके हैं तकरीबन 5 बजे। मेरा ट्रिप है वो है शिमला कुफरी का। टुडे इज सैटरडे, सो वीकेंड था और मेरा कज़न भी आया हुआ है अमृतसर से, तो हमने प्लान किया कि चलो फिर चलते हैं शिमला। पिंजौर पार कर चुके हैं हम, ठीक है। पीछे तो चंडीगढ़ में तो बारिश हो रही थी, अब यहाँ पे भी बारिश हो चुकी है, होप सो कि आगे बारिश ना मिले। यस, एंड हमारा बता दूंगी ट्रिप है 2 दिन का, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। आज हम जाएंगे पहले शिमला, शिमला में होटल पहले बुक है तो वहाँ पर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, 10 बजे के करीब पहुँच जाएंगे। रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे वहाँ से कुफरी, कुफरी में है एडवेंचर रिजॉर्ट, तो एडवेंचर रिजॉर्ट में हम जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और बाद में शाम को आएंगे वापस। जितने बजे भी फ्री हो गए वापस आ जाएंगे और बाद में हम इवनिंग में चलेंगे मोर रोड शिमला, क्योंकि घूमने का मज़ा तो वहाँ पे इवनिंग में ही है। तो मौसम तो यहाँ पे बड़ा औसम है, क्या बात है, मौसम इज औसम हियर, तो आगे भी मौसम ऐसा ही रहेगा, बस बारिश ना पड़े, नहीं तो सारा ही 2 दिन का काम टाइम टाइम फिश हो जाएगा। ये आ गया है टोल टैक्स, पता नहीं हिमाचल एंटर करने वाला है लेकिन 22 को नहीं लगता है तो हम साइड से निकाल लेते हैं। चलो जी, चलो भाई पलवाना। यस,
तो आने से पहले मैंने अपने ऑफिस में डिस्कस किया था कि मैं जा रहा हूँ, तो हमारे ऑफिस में है भूपिंदर सर, प्यार से हम उन्हें भूपी भाजी कहते हैं, गहरी भाजी कहते हैं, दिलदार बंदे हैं बस। और क्या बताऊँ, चंडीगढ़ के ही है। उन्होंने मेरे को एक जगह बताई है जैन पार्क, धर्मपुर के आसपास है, मैकडॉनल्ड के आसपास है, मैकडॉनल्ड के सामने कह रहे थे कहीं पे, तो कहते थे वहाँ पे ज़रूर होके आना, बड़ा पीसफुल एरिया है, मज़ा आ जाता है बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करके वहाँ पे। वो चंडीगढ़ के हैं, वो भी घूमते फिरते रहते हैं, और जाने से पहले मैं उनको बता ही देता हूँ या आने के बाद बता देता हूँ या जाने से पहले बता देता हूँ, ताकि कोई प्लेस हो तो हम वो भी विज़िट कर पाएँ। लेकिन सुबह जाते टाइम हम तो निकल जाएंगे तकरीबन वहाँ से 7-8 बजे के करीब हम वो क्रॉस कर लेंगे जो लोकेशन उन्होंने बताई है, तो जाते टाइम तो नहीं हो पाएगा, आते टाइम देखेंगे, आते टाइम हम वहाँ पे विज़िट करके आएंगे। बस हिली एरिया शुरू हो चुका है, मौसम इज ऑसम, मैन मज़ा आ रहा है, बस ऐसे ही बातें करते चलेंगे आपसे, जो प्लेसेस आएंगी वो बताते चलेंगे। टन 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 लो भी, पहले तो रोड बहुत अच्छी थी, यहाँ पे आके थोड़ी सी जिन 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 चक हो गया। ये यहाँ पे एक प्लेस है, ये ट्रॉली जाती है ऊपर यहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो वो सामने होटल है हिल पे, आता टाइम दिखाऊंगा। टिम्बर ट्रेल, यस टिम्बर ट्रेल है, ये देखिए टिम्बर ट्रेल, अभी तो बंद है, ये काफ़ी हाइट पे है, ऊपर जाके होटल है, अगर आते टाइम हम रुके तो फिर आपको बताएंगे यहाँ पे अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि एक तो हमारा टाइम भी बहुत शेड्यूल बहुत ही हमारा बिजी है, सिर्फ वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे यही ऑफ होता है हमें ऑफिस से, तो सैटरडे को जा रहे हैं कवर अप करके, संडे को वापस आएंगे एंजॉय फुल ऑन करके, जो ट्रिप हमारा 2 दिन में कवर हो सकता है वो हम करेंगे। शिमला से तो 2 दिन में कवर हो, शिमला से कह रहा हूँ चंडीगढ़ से तो 2 दिन में कवर हो सकता है बहुत आराम से, अगर आपने दिल्ली साइड से आना है तो फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, फिर तो टाइम निकाल के आओ। यस चलो बाकी चलते जाते हैं और आपसे बातें करते जाते हैं, जोन से भी व्यू आते हैं आपको दिखाते जाते हैं। ये रोड कट कर रहे हैं, बीच में से लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी है, ये 7 बारी रोड बंद की हुई है उन्होंने, ये बंद में ही चला के रखा हुआ है, लैंड स्लाइडिंग बड़ी तगड़ी है, बारिश बहुत पड़ रही है ना यहाँ पे पहले, तो इसलिए और ये आ गई है ईशर स्वीट्स, राइट साइड में ईशर स्वीट्स है, इसकी कुल्फी बड़ी फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे ना ईशर स्वीट्स, कालका में भी है शायद, मैं भी कालका में भी है, यस और इस हाईवे पे भी है। ये टनल है टॉय ट्रेन की, यस टॉय ट्रेन चलती है बड़ी छोटी सी यहाँ पे, जब आप आओ तो एक बारी एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना चाहिए, लाइंस भी बड़ी छोटी हैं और चलते भी बड़ी स्लो है, बंदा भाग के पकड़ ले इतनी स्लो चलती है। आपको व्यू दिखाता हूँ क्यों रुके हैं हम यहाँ पे, बिकॉज के हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं, सी दिस व्यू, इतनी हाइट में हम आ चुके हैं, ये नीचे सारा ही क्लाउड्स है। लेट्स सी दिस, हम ऊपर हैं बादल नीचे हैं, जितनी बारी भी आया हूँ ये व्यू देखने को नहीं मिला मेरे को कभी भी, रियली ऑसम। देखो भाई वहाँ से हम आए हैं, वहाँ से कभी नीचे बारिश हो रही है ऊपर कोई बारिश नहीं है,
बस ऐसे भी होते हैं जो हमें खींच लाते हैं पहाड़ों की सैर पे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, मे बी अप्रॉक्सीमेटली हम 9 बजे तक पहुँच ही जाना चाहिए हमें। HP आगे चलता जा रहा है और देखना पड़ेगा। तभी होगा तो करो भाई, नीचे बादल थे, बारिश थी, बादलों के ऊपर आ चुके हैं हम और यहाँ पे धूप, नेचर है भाई, कहीं पे धूप कहीं पे शाम। बस आगे कुछ ही देर में शौकी आने वाला है, शौकी एक टाउन का नाम है जो ऑन वे आता है शिमला के, शिमला से 15 किलोमीटर पहले होगा या नियर अबाउट 15 किलोमीटर पहले ही है। तो शौकी के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक भैया है मेरे परमजीत भाई, या वो है तो यहीं के शौकी के ही है। वो आए थे अमृतसर में और हमारे घर में रहे थे, उनकी जो थी ट्रांसफ़र हो गई थी अमृतसर में, जॉब करते थे वो पहले चंडीगढ़ में थे फिर अमृतसर ट्रांसफ़र हो गई, और मींस कि उनके साथ इतना प्यार बन गया कि भाइयों जैसा। जब भी मैं शिमले के लिए कहता हूँ कि मैं आने लगा हूँ तो वो ज़रूर कहते हैं कि मेरे से मिल के ज़रूर जाना। सो अब देखते हैं कि अगर वो शॉप पर हुए तो उनसे मिल के ज़रूर जाएँगे, क्योंकि आगे मैं जितनी बार भी आया हूँ एक आधी बार तो कॉल किया मैंने उनको तो वो फिर वहाँ पर मिले नहीं, और अब दूसरी तीसरी बार मैं बस में गया था, जब बाइक पे गया तब वो मिले नहीं। तो अब देखते हैं अगर तो वो शॉप पे हुए तो आज मिलते हैं, नहीं तो फिर कल का प्लान करते हैं, कल कॉल करके आएंगे उनको फिर। बहुत ही अल्टीमेट भाई है वो, हमारे घर पे एक ही मंथ रह के गए हैं वहाँ पे अमृतसर में, लेकिन भाई दिल के इतने अच्छे हैं कि जब भी मीन्स कि करते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज कि आओ तो मिल के जाओ, फैमिली को लेके आओ, मदर को लेके आओ ऐसे। तो अभी तो शॉप्स तो बंद लग रही हैं, अभी तो बजे ही 8:30-9 हो रहे हैं, अभी तो शॉप्स बंद ही लग रही हैं। यहीं कहीं पे उनकी शॉप है, टायर्स की शॉप है उनकी, तो आई थिंक कि वो बंद ही है। अब मेरे को प्रॉपर पता भी नहीं है उनकी शॉप का, बस देखता हूँ कि बैठे हुए हैं तो पता चल जाता है। ये लग रही है मेरे को, एक बार पूछ लेते हैं। भाई यहाँ पे यही है वो भाई परमजीत जी जिनके बारे में मैं बता रहा था, क्या बात है, पहचाना जी? क्या बात है, माउंटेन्स देखो भाई, ये नज़ारा ही अलग है शौकी के बाद का ना, व्लॉग में कह रहा हूँ। बस भाई जिस भाई की बात कर रहा था परमजीत भाई की, उनसे मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट मैं 3-4-5 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं कि मैं इतने सालों के बाद उन्हें मिला हूँ, थोड़ी बहुत ही बातें की, हालचाल पूछा, बस फिर हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए। वो कह रहे थे घर चलने के लिए, इंसिस्ट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, बट अभी हमने किया ही था और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि 2 दिन तो मिलते हैं वीकेंड के, उसमें ही हमने फुल एंजॉय करना होता है। सो अगर परमजीत भाई आप ये व्लॉग देख रहे हो तो पक्का मैं नेक्स्ट टाइम मदर के साथ आऊँगा और स्टे आप ही की तरफ करेंगे। चलो चलते हैं।
शिमला है कि शिमला ही है पता नहीं, बस यार पहुंच गए, एंटर करने वाले हैं, ये शिमला ही है या आ गया द एशिया डॉन, इट्स शिमला। तो जी हम शिमला एंटर कर चुके हैं। बस अब जो आगे रास्ता आने वाला है, एक चले जाएगा नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो जाएगा वो है न्यू बस स्टैंड का। यस, बसेस वगैरह सभी वहीं पे जाती है न्यू बस स्टैंड में। ये है राइट साइड में न्यू बस स्टैंड। यस, ये नीचे की तरफ चला गया न्यू बस स्टैंड की तरफ और ऊपर ओल्ड बस स्टैंड की तरफ। शिमला मार रोड और टूरिस्ट लिफ्ट इसी साइड है और हमारा होटल भी इसी साइड है। हमारा होटल जो है वो हमने लिया है विक्ट्री टनल के पास, तो मेन मार रोड पे तो नहीं है, विक्ट्री टनल के पास है, वहाँ पे हम रुकेंगे। लो जी मौसम देखो वहाँ का, बस देख लो कितना है वहाँ पे बादल। बस वो वहाँ पे मार रोड है जो आपको दिख रहा है ना, वो सारा ही इन क्लाउड्स। लो भी विक्ट्री टनल भी आ गई, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेफ्ट सीधा है ओल्ड बस स्टैंड, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट होंगे। अब यही देता हूँ भाई, देखते रहेंगे क्या होता। ये है विक्ट्री टनल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बातों में पता ही नहीं चला कि कितना लंबा हो गया ये व्लॉग। सो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको इन एपिसोड सेकंड में इन एडवेंचर पार्क एंड मोर रोड शिमला। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकॉन को, बिकॉज जब भी मैं सेकेंड एपिसोड अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इन एडवेंचर पार्क एंड मोर रोड शिमला। So take care and bye-bye.